कुछ कमेंट्स आ गए थे ऐसे कि लाइक हमारा ना थोड़ा सा मन खट्टा सा हो गया। बीवी की ना एक आवाज में ही उठना पड़ता है। मैंने आपसे नहीं बोला था बनवाने को। लग रहा है कि जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं जो अभी 1.5-2 महीने मेहनत करी थी ना वो सब बेकार हो जाएगी। तो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ओह वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू, ये कैसे बोल रही हो? मतलब ये जो जोश आप दिखा रहे हो ना, ये जो सुबह 6 बजे दिखाते आज लड़के का पहला दिन था स्कूल का, ये भी नहीं हुआ। चलो पहला दिन है, तैयार मत करते, वो तो मैं कर ही रही थी, कम से कम उठ के उसको वहाँ नीचे तो ड्रॉप करने आ जाते। बात तो सही है। यार गाइस पता क्या, जब से इंडिया से आए ना तो हमारा जो शेड्यूल है ना सोने का, वो मतलब मेरा शेड्यूल तो खराब हो गया, ये तो अपना मैनेज कर लेती है। अब एक बार बताओ, सुबह यार मैं रात को 3 बजे सोया हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आ रही, उससे पहले मैं क्या करूँ? मतलब पहला दिन था, तू उठा तो सकती थी मेरे को, ये तो बोलती कि हाँ भाई उठ जा, बच्चे को छोड़ के आना है। 1 घंटा आपको उठाने में अपना टाइम वेस्ट करती ना, उस 1 घंटे में उसको तैयार करके और उसको 2 टिफिन देने थे क्योंकि लॉन्ग डे था पूरा, तो इसकी वजह से मैं कहा आपको इतना टाइम वेस्ट करूंगी, उससे अच्छा उसको मैं स्कूल छोड़ के आऊंगी। पहला दिन था, बस का भी टाइम। एक आवाज तो देती, आप एक आवाज से उठते नहीं हो ना भाई। बीवी की ना एक आवाज में ही उठना पड़ता है। आपको पता नहीं है क्या ये बात? ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होता ना। तो गाइस पता है सीन यही हुआ है कि मेरे को ना अब नींद ही नहीं आ रही 2-3 बजे, क्योंकि वहां पे क्या था, हम बातचीत करते रहते थे, 2-2, 3-3 बज जाते थे सोते सोते, तो अब वही सीन बन रहा है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। और भी क्या हुआ, लास्ट ईयर तक तो साहिब भैया का जो स्कूल था ना वो दोपहर वाला था, लाइक 10 CLB, हाँ जो भी बोलते हैं, मतलब 10 बजे करीब आता था वो स्कूल, 10 बजे हाँ 10 बजे 10:15 बजे करीब उसकी बस लेने आती थी। अब आ रही है सुबह 7:15। अब बताओ यार एकदम ना शेड्यूल पूरा मतलब गड़बड़ा सा गया है हमारा तो, बट ये है कि कुछ दिन में ठीक कर लेंगे। अभी तो संध्या का जो ऑफिस नहीं था ये बहुत अच्छी बात थी, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होने वाली थी, बट अगले 3-4 दिन में जाके मैं शेड्यूल बना लूंगा सो देट मैं भी सुबह साहिब को स्कूल छोड़ाऊँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। सही पकड़े हैं। इसकी बस वाली जो भी अटेंडेंट है नहीं भाई वो बहुत स्ट्रिक्ट है, पहली वाली तो बड़ी काम सी थी ना सैंडी। पहली वाली इसकी बस अटेंडेंट बहुत अच्छी थी, मतलब अगर आ भी जाती थी, अगर लेट हो रहे होते तो 5-10 मिनट वेट कर लेती थी। ये वाली तो बस अटेंडेंट इसकी मतलब इसका क्या है, ये हमें ना फ्राइडे को क्या कहते हैं जल्दी स्कूल ऑफ होता था, मतलब फ्राइडे को जो दुबई में ना स्कूल जल्दी ऑफ होते हैं, संडे छुट्टी रहती है, तो उस दिन यही लाइक ड्रॉप करने यही आती थी भाई। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, अगर बस नीचे आ गए हम नहीं मिलते थे ना तो हमें धमकी देती थी, अगर आकर अगली बार से नहीं आए टाइम से तो हम बच्चे को स्कूल वापस लेके चले जाएंगे और उसके चार्जेस अलग हैं। स्कूल अगर बच्चा वापस चला जाता है ना तो उसके चार्जेस अलग देने पड़ते हैं, फाइन देना पड़ता है, फाइन होता है। तो ये सब सीन था, बट पूरे साल यही रहेगा तो मैनेज करना सीखना पड़ेगा हमको और मैनेज करेंगे। लकीली हम ब्लेस्ड हैं कि साहिब ना कभी भी सुबह उठने में परेशान नहीं करता है, मतलब आप उसको एक आवाज लगाओगे ना सुबह 6 बजे भी तो आप वो उठ के, क्योंकि वो वर्ल्ड नर्सरी में जब जाता था उसका 7 बजे का स्कूल था, मतलब कितने बजे भी सोएगा ना, रात को 2 बजे भी सुलाओगे ना और सुबह 6 बजे बोलोगे स्कूल जाना है, बस स्कूल जाना ये बोलना है, बंदा तैयार। मतलब ये चीज एक अच्छी है कि हमें इस बात की टेंशन नहीं होनी पड़ती। हमें लगता था शुरू में ऐसे बात होगा, लेकिन उसने हमें 2 साल हो गए आज तक कभी परेशान नहीं किया। मैं अपना बताऊं, मैं कभी उठा नहीं, मम्मी उठा गई और दोबारा सो गया, तो ये सीन है। चलिए बाकी आज सीन वही है कि सैंडी का शुरू हो गया साउथ इंडियन। अरे 3 बार बोल दिया, अब आगे बढ़ो। तो ये बन चुकी है चटनी बन चुकी है, सांबर भी तैयार हो गया है मेरे उठने से पहले ही, मतलब सब कुछ ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बट आज एक सीन अलग है कि आज डोसा आपका भाई बनाएगा। सैंडी यार तू एक बीच में करेगी नहीं, क्योंकि तू तेल डालती है, मैं तेल खाऊंगा नहीं, तो डोसा मैं बनाऊंगा। ठीक है, बनाओ, सब तैयारी है। हाँ तो बस ठीक है, बना रहे हैं। तो चलिए गाइस आज आपको मैं दिखाता हूँ डोसा कैसा बनता है, क्योंकि मैंने ना चीले बना के, क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 महीने से ना उस पर चल रहा था, लाइक खाली प्रोटीन कार्ब्स हटा के, तो मैं क्या करता था चीले बनाना, मूंग दाल के चीले बनाना, तो थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हो गई है। वैसे तो मैं बहुत गंदा कुक हूँ, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डोसे बना लेता हूँ। एंड गाइस अपने पास नॉन स्टिक भी है, लेकिन उसमें बनाते नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताते कि नॉन स्टिक ना अच्छी नहीं होती है लाइक हेल्थ के लिए, नॉन स्टिक पैन पर खाना बनाना। तो भाई आपका ये लाइक पहले तो ये भी शायद नॉन स्टिक ही था, लेकिन अब ये नॉन स्टिक इसकी खत्म हो चुकी है। खाने बनाने तक तो ठीक है, लेकिन जो इस समय गर्मी हो रही ना गाइस दबा के, मतलब अभी दूसरा डोसा बनना स्टार्ट किया है और आप मेरी हालत देख सकते हैं, पूरा पसीने पसीने हो चुका हूँ। तो फटाफट पहले बना लेता हूँ सारे, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस ये आपने तैयार कर लिया है संध्या के लिए खाना, ये लो सैंडी।
आपके लिए। मैं आपसे पहले थोड़ी खा सकती हूँ, दोनों साथ में। अरे खा ले, कोई दिक्कत नहीं, बनवा सकती है तो खा भी सकती है। और पहली बात, मैंने आपसे नहीं बोला था बनाने को। अरे तो मैंने बोल दिया खा ले, कोई बात दिक्कत थोड़ी है, दोनों साथ में खाएंगे। अरे तो रख ले, अब कैसे वापस लेके जाऊं? अरे तो ठंडे हो जाएंगे यहाँ पे। किचन में तो हीटर लग रहे हैं, जो उसमें गैस पे रख लूंगा। हीटर नहीं लग रहा, लेकिन किचन में हीट बहुत है, यहाँ पे नहीं है। खा ले यार। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आपके साथ ही। ये एक अलग सीन है, तो चलिए कोई नहीं, पहले पूरे बना लेते हैं, उसके बाद फिर संग मिलके खाते हैं। एंड गाइस, ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है, और अब क्या है कि मैं देख रहा हूँ एक वेब सीरीज, उसके साथ साथ करेंगे वीडियो की एडिटिंग, सो दैट आज रात को टाइम से सो पाए और साहिब भैया अगले सुबह टाइम से उठ पाए। साहिब भैया को लेके आ गए हम। सो साहिब भैया, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? नाइस। एंड आपकी टीचर? नाइस। टीचर भी नाइस थी। और सारे स्कूल में बच्चे जो थे वो पुरानी वाली क्लास वाले थे या फिर न्यू वाले थे? न्यू वाले थे, पर डर आपने मुझे फॉरगेट क्यों कर दिया ना? अरे बेटा, आज आपकी स्कूल की टाइमिंग्स मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा सा बस 2 मिनट तो लेट हुआ हूँ, अब मुझे आज पता पड़ गया आपकी टाइमिंग्स। आपको आपको अब बाहर निकल जाओ, तब देखो वहाँ पे बस है और मैं हूँ वहाँ पे। बेटा फोन नहीं किया था दीदी ने, फोन बेटा लेट किया, जस्ट जैसे ही किया मैं फटाफट से आया, और फटाफट से आते ही तुम लेट। चलो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ओके, जब आ जाएगी बस तब आपको आउटसाइड देखना, जब आ गई वो ओके तब देख के मुझे लेना चाहिए। ओके ओके ओके, मैं कल से ध्यान रखूंगा, कल से ध्यान रखूंगा। मम्मा ऑर्डर करती हैं? अरे भाई गलती हो गई मुझसे, सॉरी। एंड गाइस, शाम की आरती और शाम की पूजा भी हो चुकी है, और आज ना एक कमेंट आया था अभी कि यू आर द बेस्ट व्लॉगर इन द वर्ल्ड, भाई एक भाई ने कमेंट किया था हमें, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो मैं कंफ्यूज में कहा भाई व्यूज़ तो आते नहीं है, ये काय का बेस्ट व्लॉगर इन द वर्ल्ड, लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई हमें मोटिवेट करने के लिए और लाइक हम आगे काम करते रहें, इसकी वजह से उन्होंने हमें ये मैसेज किया था। क्योंकि कमेंट्स ही होते जो आपको मोटिवेट करते हैं, मतलब किसी भी क्रिएटर को, कॉन्टेंट क्रिएटर को मोटिवेट भी करते हैं, और यही होते हैं जो आदमी को ना थोड़ा सा परेशान कर देते हैं कमेंट्स ही, और फिर आदमी ना वीडियोज़ बनाना या फिर मतलब थोड़ा दूर हट जाता है इन सब चीज़ों से। और हुआ भी हमारे संग यही था सेम, लाइक एक साल से हमारा आप देख रहे हैं कोई प्रैंक्स नहीं आ रहे हमारे, और वो इसी वजह से क्योंकि कुछ कमेंट्स आ गए थे ऐसे कि लाइक हमारा ना थोड़ा सा मन खट्टा सा हो गया। एक्चुअली संध्या को कुछ बोल दिया था कुछ लोगों ने, मुझे बोलते ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन सैंडी को बोलते ना तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इस वजह से हमने प्रैंक्स करना बंद कर दिया था। बाकी कभी अगर मौका मिला तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसकी भी, कि किस लेवल तक हम पे लाइक कमेंट्स आ गए थे कुछ ऐसे। और बाकी आज जो सुबह खाना बना था हमारा डोसा सांभर, जैसा आपने देखा ही था, तो वो बड़ा सही बना था, तो मैंने संध्या को बोला है कि अभी सिर्फ राइस बना ले, क्योंकि सांभर राइस खाएंगे शाम को, और सुबह भी साउथ इंडियन खाना हो जाएगा और शाम को भी साउथ इंडियन खाना हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी ना थोड़ा साउथ इंडियन खाना ना पसंद आने लगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे जाके ना उनकी जो मेन थाली होती ना भाई 3-4 प्रकार की सब्जियाँ, आपने कई बार हमारे ब्लॉग्स में देखा भी होगा, तो वो सब जब मैं खाने लगा हूँ ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा, सांभर राइस और रसम राइस ये सब चीज़ें, तो मैं कहा आज चलो सांभर राइस खाते, तो आज पूरा दिन हम साउथ इंडियन ही रखेंगे। एंड गाइस, खाना अपना हो चुका है और अभी हम चल रहे हैं वॉक के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक कुकिंग का अगर रूटीन में ना रहे ना, लाइक मतलब कंटिन्यूशन में ना रहे, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मतलब आपको फिर ना आलस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वही सब चीज़ है। आफ्टर डिनर वॉक हो या थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हो ना, तो अभी इंडिया से जब से लौट के आया हूँ ना, तो मेरा जो कंटिन्यूशन था जो मैं करता रहता था वो चीज़ सब खत्म हो गई है, क्योंकि वहाँ पर नहीं किया तो फिर यहाँ पर भी नहीं हो पा रही। और अपना वेट चेक किया है तो वो भी 3 किलो करीब बढ़ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं जो अभी 1.5-2 महीने मेहनत करी थी ना वो सब बेकार हो जाएगी। तो चलिए थोड़ी सी वॉक करते हैं, उसके बाद फिर कुछ सामान भी लाना है। कल शॉपिंग करने गए थे संध्या के संग, लेकिन वही है ना, वहाँ पहुँच के आदमी एक दो चीज़ें भूल जाता है, तो कुछ चीज़ें रह गई है वो अभी लेते हैं, और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्कार।